ऐसे बैठे हुए क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास मेरे मसले का हल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मामला दिल का है, कोई भालू शिकार करने का नहीं। मेरे भाई, तुम इस तरह मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते, सब मालूम है मुझे। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या मालूम है? हाँ, अरे दुआन भाई, बताओ मुझे, चलो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे मसले का हल निकालता हूँ। बानोजी जैक से मुझे शादी की बात करनी है। हाँ। समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं मैं। अरे मुझे लगा तुम शायद कोई जंग जीतने की बात कर रहे हो, इसमें क्या मुश्किल है? मैं बताता हूँ भाई, मेरा ये दिल तुम्हारी दीद के इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। आखिर कहना क्या चाहते हो बंसी? क्यों समझ में नहीं आया तुम्हारे? चलो दोबारा बताता हूँ एक बार। हाँ देखो, मेरा ये दिल तुम्हारी दीद के इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मेरा ये दिल तुम्हारे इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। हाँ। और फिर उसके बाद? हाँ, इसके बाद क्या करना है बताता हूँ। इसके बाद कहना, ये कातिल निगाहें मेरे दिल के आर पार हो जाती हैं तीर की तरह। तुम्हारे हुस्न के समंदर में मैं पूरा डूब चुका हूँ ऐ हसीन परी, अब मेरा निकलना हरगिज मुमकिन नहीं। लेकिन भाई तुम ये सब कैसे जानते हो? इल्म मेरे भाई, इल्म। साहिब इल्म से सवाल नहीं करते, और गेटली भाई ने भी तो यही कहा था ना कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। साहिब इल्म होना भी कितना अच्छा लगता है। मेरा ये दिल तुम्हारे इंतजार में धड़कता। जीजा खातून, आपके दीप ने मुझे चला डाला है। जीजा खातून, नहीं जानता कि आपकी आंखें कैसी हैं, लेकिन वो मेरे दिल के आर पार हो गई है। आपका हुस्न समंदर है और मैं उसमें डूब चुका हूं। ये आप क्या कह रहे हैं दुआन साहब? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं वंसी। क्या कहूं, अकेला मुझे कहना नहीं आता। चीचा खातून, बानो चीचक, मुझे आप बहुत पसंद है, शादी करना चाहता हूं आपसे। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर मैं आपकी जिंदगी बनके आपके दिल में रहूंगी। आपका खैमा आज के बाद से महल है मेरे लिए, मेरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। आपकी मुश्किलात मेरी खिजा और खुशी मेरी बहार होगी। उम्र भर आपका साथ दूंगी। दुआन साहब, दुआन साहब। ओह शुक्रिया। दरअसल मैं कुछ समझा नहीं। वो मैंने आपसे शादी के लिए कहा तो आपने हाँ कहा ना? जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब आपने मेरी बात के जवाब में हाँ कहा, ऐसा ही है ना? बताइए चीचा खातून। बिल्कुल दुआन साहब। तो फिर मैं भाई को जाकर सब कुछ बता देता हूँ, ताकि अर्तुरुल भाई जल्दी से जाकर तू तकिन भाई से रिश्ते की बात कर ले। हाँ ठीक है। हाँ कहा ना आपने? हाँ कहा मैंने। हाँ कहा है? ये तो है दुआन, बानो जी जैक ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। कल हाइबा खातून और अर्तुरुल भाई तो ताकि भाई से रिश्ता मांगने जा रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात मेरे शेर। माशाल्लाह मेरे भाई, खुश कर दिया आज तुमने। मेरा भाई। ओ धन्य सिपाही।